किसी इंसान को कैसे हम पहचाने कि ये इंसान सही है या नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है, मेरे लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त यार या कोई और पर्सन, इसको हम जानना चाहते हैं कि ये इंसान भरोसेमंद है या नहीं है, इस इंसान के साथ हम रह सकते हैं या नहीं, इस इंसान के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम कैसे पहचाने, किसी इंसान को कैसे हम पहचाने कि ये इंसान सही है या नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है, मेरे लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त यार या कोई और पर्सन, है ना, जिसको हम जानना चाहते हैं कि ये इंसान भरोसेमंद है या नहीं है, इस इंसान के साथ हम रह सकते हैं या नहीं, इस इंसान के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये अच्छा इंसान है या इस पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। ये वीडियो ना कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ हम रहने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारा दोस्ती होने वाला है, फ्रेंडशिप होने वाला है, या जिस व्यक्ति के साथ हम काम करने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान भरोसेमंद नहीं है, वो इंसान धोखा दे देगा, वो इंसान झूठा है, मक्कार है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ना हम आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, जिसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान भरोसेमंद है या नहीं है। पहला पॉइंट, वो इंसान बात कैसा करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी इंसान जब आप पहली बार मिल रहे हो तो आप उससे के बारे में कैसे जानोगे, जब उससे बात करोगे, उससे थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगा, आपका बातचीत होगा। अगर वो इंसान बातचीत के दौरान सिर्फ वही बात बोल रहा है जो वो एग्जैक्ट है, ठीक है, जो उसके पास है, वही बात बोल रहा है, रियलिटी बोल रहा है, जो बात है वही बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि यार वो इंसान बहुत बड़ी लंबी लंबी फेंक दे रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। उस इंसान की ना बात से आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा फेंक रहा है ना, वो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक दे रहा है, लग नहीं रहा है कि वो इंसान कुछ ऐसा किया है या फिर उसके पास कुछ ऐसा चीज़ है या कुछ ऐसा उसके पास स्किल है या नॉलेज है या जानकारी है या एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इंसान बहुत लंबी लंबी बातें फेंकते रहा है। तो अगर ऐसा इंसान अगर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बातें बहुत बना रहा है, बहुत बोलने वाला, बहुत बकबक करने वाला, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ बातें ही करते हैं, रियलिटी में काम के वक्त ऐसे लोग भाग जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। अब है दूसरा पॉइंट, वो इंसान दूसरों के बारे में क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अब आप सोच रहे हो कि यार दूसरों के बारे में हमें क्या लेना देना, हमको तो उससे मतलब है ना, वो मेरे बारे में क्या बोलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी इंसान को अगर परखना है कि ये अच्छा है या नहीं है, ये भरोसेमंद है या नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो साइकोलॉजी है यार ह्यूमन का, ये बड़े बड़े लोग इसको अप्लाई करते हैं कि सामने वाला इंसान बातचीत के दौरान में दूसरों के बारे में क्या बोलता है। अगर वो इंसान बार बार दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, निगेटिव बात बोल रहा है, नकारात्मक बात बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है, दूसरों का सीक्रेट आपसे शेयर कर दे रहा है, दूसरों के बारे में हमेशा गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, गलत बात बोल रहा है, उसको डिफेम कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि जो लोग जब दूसरे किसी का बात आपसे बोल दे रहा है, उसके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा क्या है भाई आप में जो आपके बारे में वो किसी और से नहीं बोलेगा। 99% चांस है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में भी जो कुछ आपके बारे में वो जानेगा, वो सब चीज़ आपके बारे में किसी और से जाके बोलेगा। और ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, ध्यान समझना। जो लोग किसी दूसरे का, चाहे उससे कितना भी उसका दुश्मनी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, है ना, वो अलग जगह है, लेकिन वो दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव बात बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है, गलत बोल रहा है, बदनाम कर रहा है उसको, तो समझ जाओ कि वो इंसान आपके साथ भी ऐसा करने वाला है। लेकिन अगर वो इंसान दूसरों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता है ना, जिससे उसका नहीं बनता है, जिससे उसका नहीं उतना अच्छा बॉन्डिंग है, संबंध नहीं है, हो सकता है उसके साथ उसका दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसको पसंद ना करता हो, बट वो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये इंसान हमें पसंद नहीं है, है ना, इससे मेरा नहीं बनता है, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने बारे में डिस्कस करेंगे, मेरे बारे में आप बात कीजिए, आप अपने बारे में बताइए, ये बेस्ट क्वालिटी है। ना कि आए और सामने वाला इंसान के बारे में, दूसरे इंसान के बारे में, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी इसके बारे में सिर्फ बुराई कर रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में निगेटिव बात बोल रहे हैं, तो समझ जाओ कि ये इंसान आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना। अब है तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो इंसान बोलता है वो करता है या नहीं। मतलब कि वो इंसान जो आपको बोला कि हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे या ये चीज़ हम करेंगे, वो इंसान के बिहेवियर में, व्यवहार में वो सब चीज़ दिख रहा है या नहीं, वो सब चीज़ वो इंसान कर रहा है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते तो बहुत हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, लेकिन वो इंसान जब करने की बारी आता है ना, तो वो चेंज हो जाता है, फिर वो इंसान एक्सक्यूज़ बनाने लगेगा, वो बहाना बनाने लगेगा, है ना, वो झूठ बोलने लगेगा, वो इधर उधर की बातें बोलना शुरू कर देगा, लेकिन वो इंसान काम से बचेगा। तो ऐसे लोग ना आपके साथ कभी नहीं टिकने वाले हैं, ऐसे लोग आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाल देंगे। इसलिए जो इंसान आपको जो बात बोला, जितना बोला, भले ही थोड़ा बोला, लेकिन वो इंसान वो चीज़ करके दिखाया, बात समझ में आया, तो समझ लो कि वो इंसान भरोसेमंद है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसके साथ आप जा सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो, या उसके साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप, कुछ भी चीज़ आप उसके साथ कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान जो बोल रहा है वो कर रहा है, बात समझ में आई। लेकिन जो इंसान जो बोल रहा है, जो बात बोला,
वो उस बात पर टिक ही नहीं रहा है, उसके सामने बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, बात का कोई कदर ही नहीं है, जुबान का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या पता यार वो इंसान कभी आपको बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल दे, कभी कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो वहाँ पर भी वो इंसान चेंज हो जाए, वहाँ पर भी वो इंसान मुकर जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि जो इंसान आपको जो बात बोला है, सामने वाला पर्सन, वो उस पर अमल कर रहा है या नहीं, उसको कर रहा है या नहीं, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बोला तो बहुत कुछ बट किया कुछ नहीं, करने के टाइम में वो इंसान गायब हो गया, भाग गया। तो ये तीन पॉइंट को आप किसी भी इंसान में देख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि वो इंसान भरोसेमंद है या नहीं है, वो इंसान अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त और फ्रेंडों को, वीडियो जरूर दिखाइए। ठीक है, और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जिसको फेस कर रहे हो तो मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, जाओ उसको देखो, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिर आज के दिन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।